नमस्कार साथियों साथियों आप सभी का ब्राइट एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और देखिए आज हम आपको भारत का एक टॉपिक पढ़ाएंगे, ज्ञानपीठ पुरस्कार। देखिए ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है, ज्ञानपीठ पुरस्कार ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला दूसरा बड़ा पुरस्कार कौन सा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार है। और किस क्षेत्र का है ये? साहित्य का दूसरा। आपको मालूम होना चाहिए कि संविधान की आठवीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं उन भाषाओं में लिखे गए साहित्यों के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। और इस पुरस्कार में 11 लाख रुपए सम्मान स्वरूप दिए जाते हैं। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आठवीं अनुसूची के अंदर जो भाषाएं हैं उन भाषाओं में कोई भी साहित्य लिखा जाता है तो उस साहित्य के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। लेकिन देखिए आपको एक विशेष क्वेश्चन पता होना चाहिए कि 2018 में पहली बार ये उन भाषाओं से हट करके अंग्रेजी भाषा में दिया गया था। किस भाषा में दिया गया था ये? अंग्रेजी भाषा में 2018 में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था अमिताभ घोष को दिया गया था, जो हम आगे भी पढ़ेंगे। अमिताभ घोष को दिया गया था 2018 में। लेकिन ये आठवीं अनुसूची की जो भाषाएं उन्हीं के लिए दिया जाता है, 2018 में पहली बार अमिताभ घोष को अंग्रेजी भाषा में लिखे गए साहित्य के लिए दिया गया। इसके बाद देखिए हम पढ़ते हैं, जो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार है इसकी स्थापना, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना जो की गई थी वो 1961 में की गई थी। और एक जो काउंसिल बना रखी है भारतीय ज्ञानपीठ न्यास परिषद, उसके द्वारा ये ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि कौन से अनुसूची की भाषाओं को दिया जाता है? आठवीं अनुसूची की। अंग्रेजी में पहली बार कब दिया गया ये भी आप बता सकते हो। इसके बाद देखिए भारतीय ज्ञानपीठ न्यास परिषद के द्वारा ये पुरस्कार कब स्थापित किया गया था? 1961 में। अब हम बात करते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले कब दिया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले दिया गया था 1965 में। और 1965 में जब ये सबसे पहले दिया गया था, ये दिया गया था गोविंद शंकर कुरूप को। और गोविंद शंकर कुरूप को जो दिया गया था ये उनकी पुस्तक ओडा कुजाई जो मलयालम भाषा में इन्होंने लिखी, ओडा कुजाई पुस्तक के लिए जो इन्होंने मलयालम भाषा में लिखी इसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था कब? 1965 में। सेकंड आपको याद रखना है 1968 में। 1968 में सबसे पहले ये हिंदी का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था वो किसको दिया गया था? आपको याद होना चाहिए सुमित्रानंदन पंत को हिंदी भाषा में। और इन्होंने पुस्तक कौन सी लिखी थी? चिदंबरा। हिंदी भाषा का पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था वो कब दिया गया था? 1968 में। और ये किसको दिया गया था? सुमित्रानंदन पंत को, जिन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? चिदंबरा। इसके बाद देखिए 1972 में, ये भी आपको इंपोर्टेंट याद रखना है, हिंदी में ही दिया गया था रामधारी सिंह दिनकर को। रामधारी सिंह दिनकर को जो 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था ये इनकी पुस्तक उर्वशी के लिए दिया गया था। कौन सी पुस्तक के लिए? उर्वशी पुस्तक के लिए इनको दिया गया था। और ये भी किस भाषा का था? हिंदी भाषा का दिया गया था। इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट आपको याद रखना है 1976 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आशापूर्णा देवी को ये पुरस्कार दिया गया। और आशापूर्णा देवी को बांग्ला भाषा के लिए दिया गया। इन्होंने प्रथम प्रतिश्रुति लिखा था, बांग्ला में प्रथम प्रतिश्रुति लिखा था आशापूर्णा देवी ने।
इसलिए इनको 1976 में पहली महिला का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था, आशापूर्णा देवी को मिला। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट है। 1978 में, 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन या जिसको आगे भी कहा जाता है, इनको दिया गया था। और ये भी हिंदी साहित्य के लिए दिया गया, और हिंदी साहित्य इन्होंने लिखा था कितनी नाओं में कितनी बार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं, तो आप अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। देखिए 1978 में जो दिया गया था ज्ञानपीठ, वो किन को दिया गया था, डॉक्टर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को। और किस पुस्तक के लिए दिया गया था, कितनी नाओं में कितनी बार, ये इन्होंने कौन सा साहित्य लिखा था हिंदी में, कितनी नाओं में कितनी बार। इसके बाद देखिए छठा जो पॉइंट आपको याद रखना है, 1981 में पंजाबी साहित्य के लिए दिया गया था अमृता प्रीतम को, अमृता प्रीतम को पंजाबी साहित्य के लिए, पंजाबी साहित्य के लिए। और वो कौन सा था, कागज ते कनवास, कागज ते कनवास, कागज ते कनवास साहित्य के लिए कब दिया गया था इनको, 1981 में। इसके बाद देखिए सातवां पॉइंट आपको याद रखना, 1982 में, 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था महादेवी वर्मा को, महादेवी वर्मा को दिया गया था। और ये कब दिया गया था इनको, 1982 में, और किस पुस्तक के लिए दिया गया था, यामा को। और आपको ये पता होना चाहिए कि हिंदी भाषा का था ये, हिंदी साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार था। और पहली महिला जिसने हिंदी का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया वो कौन थी, महादेवी वर्मा। देखिए कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं सुमित्रानंदन पंत को लेकर के, लेकिन सुमित्रानंदन पंत क्या थे, पुरुष थे जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, लेकिन महादेवी वर्मा को महिला के तौर पर हिंदी का ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था, 1982 में। इसके बाद आपको आठवां पॉइंट याद रखना है, 2018 में ये दिया गया था अमिताभ घोष को, अमिताभ घोष को। और ये अंग्रेजी साहित्य के लिए दिया गया, इसके लिए अंग्रेजी साहित्य के लिए दिया गया। और एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि पहली बार सर्वप्रथम अंग्रेजी साहित्य के लिए जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया वो कब दिया गया, 2018 में। आपको याद रखना है 2019 में। देखिए 2019 में ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया ये अक्कीथम नंबू दिरी को दिया गया, और ये कौन से भाषा के हैं, मलयालम भाषा के कवि हैं, मलयालम भाषा के कवि नंबू दिरी अक्कीथम को 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार था, पिचपनवा, पिचपनवा ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था, अक्कीथम नंबू दिरी को दिया गया था जो मलयालम भाषा के कवि हैं, और ये पिचपनवा अवार्ड था जो 2019 में दिया गया। इसके बाद आपको एक क्वेश्चन और याद रखना है, अक्कीथम नंबूदिरी को 1973 में बली दर्शनम, एक इन्होंने कविता लिखी थी बली दर्शनम, और उस बली दर्शनम के लिए इनको भारत का सबसे बड़ा साहित्य का जो पुरस्कार है, भारत का सबसे बड़ा जो साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है, साहित्य अकादमी के द्वारा जो पुरस्कार दिया जाता है, और ये भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है साहित्य अकादमी पुरस्कार। और आपको ये पता होना चाहिए कि साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी, 1954 में, 1954 में इसकी स्थापना की गई थी। और सबसे पहली बार जो दिया गया था ये 1955 में दिया गया, और किसको दिया गया था ये भी आपको पता होना चाहिए। साहित्य अकादमी का सबसे पहला पुरस्कार जो 1955 में दिया गया था ये माखन लाल चतुर्वेदी को दिया गया था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है,
माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कब शुरू किया गया था, 1955 में, लेकिन इसकी स्थापना कब की गई थी, 1954 में, और सबसे पहले किसको दिया गया था, माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था, और इन्होंने कविता लिखी थी और उस कविता का नाम क्या था, हिमतरंगिणी। हिमतरंगिणी कविता के लिए माखनलाल चतुर्वेदी को सबसे पहले भारत का साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था, 1955 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, एसएससी, दिल्ली पुलिस, रेलवे पुलिस, हर एग्जाम में, हरियाणा पुलिस, राजस्थान पुलिस के एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद देखिए, साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है सबसे बड़ा पुरस्कार है, ये जो पुरस्कार 1973 में जो दिया गया था बलि दर्शनम पुस्तक के लिए, बलि दर्शनम के लिए वो किसको दिया गया था, अक्कीथम नंबूदिरी को दिया गया था। अक्कीथम नंबूदिरी मलयालम भाषा के, जिनको 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, और इनको 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था, और वो किसके लिए दिया गया था, बलि दर्शनम के लिए। इसके बाद देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, करंट का क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। 2019 में जो दिया गया, ये 23 लेखकों को दिया गया, अलग अलग जो 23 लेखक जो इस पुरस्कार को पाने वाले थे, उनमें आपको सिर्फ एक तो आपको इसमें याद रखना हिंदी में, एक आपको अंग्रेजी का याद रखना है, एक आप मराठी का याद रखेंगे और एक आप राजस्थानी याद रखेंगे, राजस्थानी लेखक। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये भी आपका, ये साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 कितने लेखकों को दिया गया, याद रखना है कि एक तो आपको हिंदी में याद रखना है, एक आपको अंग्रेजी में याद रखना है, एक आपको इसमें मराठी में याद रखना है और एक आपको राजस्थानी लेखक को याद रखना है। देखिए मैं दोबारा बता देता हूँ, ये हिंदी का जो 2019 का जो साहित्य अकादमी अवार्ड जो दिया गया, वो किसको दिया गया, नंद किशोर आचार्य को, और इन्होंने कविता लिखी छीलते हुए अपने कविता के लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया। इसके बाद देखिए, अंग्रेजी में जो दिया गया वो शशि थरूर को दिया गया, जिन्होंने इंग्लिश में एक कविता लिखी, या इंग्लिश में जो इन्होंने साहित्य लिखा उसका नाम है एन एरा ऑफ डार्कनेस, एन एरा ऑफ डार्कनेस, जो अंग्रेजी में इन्होंने साहित्य लिखा एन एरा ऑफ डार्कनेस, इसके लिए शशि थरूर को अंग्रेजी में साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया। मराठी में दिया गया अनुराधा पाटिल को, और राजस्थानी लेखक जिन्होंने ये साहित्य अकादमी अवार्ड प्राप्त किया उनका नाम है किसान सहू, किसान था एक ये राम सहू, किसान राम स्वरूप, और इन्होंने राजस्थानी साहित्य लिखा था, ये किसान हैं और राम स्वरूप, इन्होंने बारीक बात एक राजस्थानी साहित्य लिखा, बारीक बात, और इसके लिए राम स्वरूप को साहित्य अकादमी अवार्ड भी इन 23 लेखकों के साथ में दिया गया। तो देखिए, ये जो टॉपिक आपने पढ़ाई है साहित्य अकादमी अवार्ड, साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए। अब ये साहित्य अकादमी पुरस्कार कब शुरू किया गया था, 1955 में, लेकिन इसकी स्थापना कब की गई थी, 1954 में, और इसका जो मुख्यालय है वो रविंद्र भवन दिल्ली में है, इंपॉर्टेंट है। साहित्य अकादमी का जो मुख्यालय है, पुरस्कार जो एक संस्था है, ये संस्था कहां पर है, यह है रविंद्र भवन दिल्ली में है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था,
1955 में सबसे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया? तो देखिए आपको इसमें दो क्वेश्चन याद रखने हैं, एक तो ज्ञानपीठ पुरस्कार आपने जो पढ़ा है, इंपॉर्टेंट याद रखेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी, 1961 में। सबसे पहले कब दिया गया था, 1965 में। हिंदी में सबसे पहले कब दिया गया था, 1968 में। हिंदी में दूसरा कब दिया गया था, 1971 में। इसके बाद देखिए 1978 में किसको दिया गया था, ये भी आप अच्छी तरह याद रखेंगे, हिंदी में दिया गया 1978 में। आप सभी को याद होना चाहिए, बहुत लंबा नाम है, डॉक्टर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे को दिया गया। इसके बाद देखिए 1981 में पंजाबी साहित्य के लिए दिया गया, कागज ते कनवास जो अमृता प्रीतम ने लिखा। इसके बाद पहली महिला जिसने हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया 1982 में महादेवी वर्मा। और अंग्रेजी में पहली बार कब दिया गया, 2018 में, जो किसको दिया गया, अमिताभ घोष को। और 2019 में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार का नंबर कौन सा था, 55वां, ये किसको दिया गया, अक्केतम नंबू दीरी को। तो देखिए आज का जो हमारा ये ज्ञानपीठ पुरस्कार और साथ साथ साहित्य अकादमी पुरस्कार जो भारत का सबसे बड़ा अकादमी पुरस्कार है, इसके ऊपर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आप अच्छी तरह से पूरे वीडियो को सुनेंगे देखेंगे और अधिक से अधिक आप शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे। और देखिए जितना ज़्यादा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे लाइक करेंगे उतना ही हमारा भी हौसला बढ़ेगा और हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।